ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। मित्रों, 8 नवंबर मंगलवार के दिन लगने जा रहा है साल का आखिरी और आखिरी चंद्र ग्रहण, जो कि इससे जुड़े आपके जीवन में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा तथा सूतक काल कितने बजे लगने जा रहा है तथा ग्रहण भारत में कितने बजे दिखेगा और भारत में कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण। तो मित्रों, सूर्य ग्रहण के कितने दिन बाद लगने जा रहा है यह चंद्र ग्रहण और इसका किस प्रकार से आपके राशियों पर असर पड़ेगा, वह सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो रोजाना समय से मिल सके और जीवन से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको रेगुलर मिल सके। तो मित्रों, साल का दूसरा और आखिरी ग्रहण आपके दीपावली के कुछ दिन बाद लगने वाला है, जिससे कि अब नवंबर में साल का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद यानी कि 8 अक्टूबर को कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में आपको चंद्र ग्रहण से जुड़ी अहम जानकारियों के बारे में जानना बेहद खास रहेंगे। 8 नवंबर 2022 यानी मंगलवार को शाम 5:32 से शुरू होकर शाम 6:18 में इसका समापन होगा तथा चंद्रग्रहण का सूतक काल का समय, मित्रों चंद्रग्रहण का सूतक काल का समय 8 नवंबर की सुबह 9:21 पर शुरू होगा और सूतक काल शाम 6:18 पर समाप्त होगा तथा 8 नवंबर को लगने वाला चंद्रग्रहण भारत के कई हिस्सों में नजर आएगा। चंद्रग्रहण भारत में कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी जैसे स्थानों पर दिखने जा रहा है। दुनिया में देव दीपावली के अगले दिन चंद्रग्रहण उत्तरी और पूर्व यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों पर नजर आएंगे। चंद्रग्रहण से जुड़ी कुछ खास बातें जो कि आपके जानना बेहद खास रहेंगे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार चंद्रग्रहण का सूतक काल ग्रहण से 9 घंटा पहले शुरू हो जाता है, जो साल के आखिरी चंद्रग्रहण भारत में दिखेगा। चंद्रग्रहण भारत में 8 नवंबर को दोपहर 1:32 से शुरू होकर शाम 7:27 तक रहेगा तथा मान्यता के अनुसार ग्रहण काल में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण का सूतक काल को अशुभ माना जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ होगा और ग्रहण खत्म होने के बाद समाप्त हो जाएगा। सूतक काल शुरू होने के बाद पूजा पाठ आदि शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मित्रों, चंद्रग्रहण के दौरान यात्रा करना अशुभ माना जाता है, इसलिए ग्रहण काल के दौरान यात्रा से बचना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान नहीं सोना चाहिए और ना ही धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, ये जानकारियाँ अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मित्रों अगला वीडियो जो कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वह बहुत ही जल्द आपको इस चैनल में मिल जाएगी कि इस राशि पर कितना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव होगा। तो मित्रों, आपका दिन बेहतर और ख़ास बने। जय माँ दुर्गा, जय श्री गणेश।